आर्टिकल 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने 22 अगस्त को कश्मीर जाकर फारूक अब्दुल्ला के साथ आगामी चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया। हालांकि अभी तक दोनों पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों साथ मिलकर लड़ने वाले हैं। इसी बीच हर कोई ये सवाल कर रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी क्या राहुल गांधी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने वाली हैं या वो अकेले रहेंगी। लेकिन अब महबूबा ने गठबंधन की अटकलों को सिरे से खत्म करते हुए एक बयान जारी कर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने 24 अगस्त को ऐसा बयान दिया जिससे जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते जो भी पार्टियां शामिल हैं उन सब में खलबली मच गई है। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगी। यही नहीं, महबूबा ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन उनके एजेंडे को स्वीकार करता है तो वो सभी सीटें छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो उनके एजेंडे को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, तो फिर गठबंधन नहीं होगा। सुनिए महबूबा ने और क्या कहा। अलायंस तो बहुत दूर की बात है, सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। अगर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे एजेंडे को अपनाने के लिए तैयार है कि रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर जरूरी है, टॉप प्रायोरिटी है, रास्ते खोलना बाकी, हम बोलेंगे उनको आप भी सारी सीटें लड़ो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। बिकॉज मेरे लिए रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत नफ़स जो इस वक्त रोंदा जा रहा है वो ज्यादा जरूरी है। ये सीट मुझे चार दो, आप तीन दो, ये मेरे लिए कोई माने नहीं रखती है। क्योंकि नेशनल, देखिए एक बात मैं बताना चाहती हूँ, जब एक मिनट प्लीज, जब हमने नेशनल कांग्रेस के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था, जब हमने बीजेपी सरकार के साथ अलायंस किया हमारा एजेंडा था जिसके ऊपर हमने एग्री किया। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस है, इनके तो एजेंडे पे अलायंस नहीं हो रहा है, अलायंस सीट शेयरिंग पे हो रहा है। तो हम तो ऐसी किसी अलायंस की तो बात करेंगे नहीं जिसमें सीट शेयरिंग की खाली बात हो। अलायंस हमारा होना चाहिए एजेंडे के ऊपर, और हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान, बेशक इस मुल्क के आईन के अंदर हो मगर संविधान होना चाहिए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती आगे कहती हैं, चाहे आप मुझे तीन या चार सीटें दें इससे मुझे कोई मतलब नहीं। जब हमने कांग्रेस या भाजपा के साथ गठबंधन किया था तो ये हमारे एजेंडे में था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किसी एजेंडे पर नहीं बल्कि सीट के बंटवारे के लिए गठबंधन किया है, और हम ऐसे गठबंधन पर चर्चा नहीं करेंगे जिसमें केवल सीट बंटवारे की बात हो। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। 370 हटने से पहले महबूबा मुफ्ती ही जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी और वो बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रही थी। जब महबूबा से ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस ने पीडीपी के साथ गठबंधन के लिए संपर्क किया था, तो इसका जवाब देते हुए महबूबा कहती हैं कि मेरे लिए कश्मीर की समस्या का समाधान किसी दूसरी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी पार्टी पीडीपी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कई सारी पुरानी योजनाओं को फिर से लागू करने और राज्य में 200 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर की विधानसभा के लिए मतदान तीन चरणों में होगा, जो कि 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा, और 4 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि महबूबा ने कांग्रेस के साथ अपनी शर्तों पर गठबंधन करने की बात कही है। यही नहीं, वो सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारने वाली, लेकिन इतना तो पक्का है कि महबूबा इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और देखते रहिए यूपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।